एक 93.5 पर रेड एफएम, मेरा नाम है अनिमेश। मैं इस वक्त आप सभी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ ओटी होटल से, जहाँ पर आज समाधि मूवी की आज प्रेस मीट हुई है और यहाँ पर आए हुए नन अदर देन माय फेवरेट एक्टर गोविंदा जी। गोविंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगा, कोलकाता शहर में आई है, हल्की हल्की बारिश भी 2-3 दिनों से हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे आपके शहर कोलकाता शहर के बारे में? बहुत इम्प्रूव हो गया है और अब शुरू से ही इसमें हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे कि हम कोलकाता है, मतलब घर परिवार में ही है। अब तो थोड़ा भी परायापन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम मुंबई में ही हैं। और ये स्नेह, सम्मान, ये प्रेम हमेशा रहे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। 40 लाख लोग आपको रेड एफएम पर सुन रहे हैं, समाधि हो गई, हमने प्रेस मीट पर देखा, आप ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर छोटा में अगर आप रेड एफएम के लिसनर्स के लिए कुछ कहते हैं मूवी में आपके रोल के बारे में। मैं रोल नहीं डिस्कस करूंगा, मैं करेक्टर के बारे में अभी इस वक्त फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करूंगा। और यही कहूंगा कि आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस वक्त आप लोग सिनेमा देखें, जस्ट लेट मी नो अबाउट इट कि आप लोगों को कैसा लगा। सर, कुछ हिंदी मूवीज में भी आप काम कर रहे हैं, कौन भी है, कुछ कहना चाहें अगर आप? आर्ट ऑफ फिल्म साइन हुई है और उम्मीद करता हूँ, जैसे शुरू में हमेशा हार्डवर्क करता था और काम करते थे तो हमेशा वो लोग, सब लोग हमेशा खुश रहे, तो वो वैसा ही रहे, माहौल अच्छा रहे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फेसबुक पे सुबह से ही हमने कहा था कि गोविंदा जी कोलकाता शहर में आएंगे, आनंदिता इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि बारिश हो रही है कोलकाता में, कभी भी हो जा रही है, आप बारिश में बहुत सारी मूवीज में आपको देखा गया है डांस करते हुए, सर्दी होती थी जब बारिश होती थी तो सर्दी खासी ये सब होती थी, आनंदिता ने ये सवाल पूछा है आपसे। हाय आनंदिता, मैं, मेरी तबीयत खराब नहीं होती है, इसलिए कि आपको मैं ये कहूँगा कि योग प्राणायाम कर ले, शरीर खराब होवे ना। थैंक यू सो मच गोविंदा सर, हमारे साथ बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच।